झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। डाल्टनगंज विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे केन त्रिपाठी ने कहा कि रोजगार और पेयजल की व्यवस्था करना प्राथमिकता में होगा। कांग्रेस प्रत्याशी से बात की संवाददाता राहुल कुमार पांडे ने। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी हार जीत के शिकस्त में लगे हुए हैं। हम बात करेंगे अगर डाल्टनगंज की, तो यहाँ पर दो पार्टी जो मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के केन त्रिपाठी हैं, जाने माने चेहरे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, परिचय के लिए मोहताज नहीं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से जीते हुए आलोक चौरसिया विधायक भी हैं वर्तमान समय में, वो कैंडिडेट भी हैं। हम केन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कितना विकास हुआ त्रिपाठी जी इस डाल्टनगंज क्षेत्र का इन 10 सालों में, और इस डाल्टनगंज विधानसभा को विकास के पैमाने पर कहाँ होना चाहिए और इस समय कहाँ? देखिए, एक समय था जब झारखंड की राजनीतिक राजधानी पलामू हुआ करती थी। झारखंड की राजनीति पलामू की राजनीति से तय होता था। एक दुर्भाग्य है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पे कब्जा किया, और उसके बाद एक ट्रेंड आया कि 50-60 हजार वोट विधानसभा में उसके तरफ झुकाव हुआ, तो उस झुकाव में निकम्मे लोग बैठ करके विधानसभा चले गए। वहां उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जब काम नहीं किया कुछ, तो यहां जनता खोजना चाहिए, मिले नहीं, घूमना भी बंद कर दिया क्योंकि काम करने में संघर्ष करना पड़ता, तो जनता का कोई काम नहीं हुआ, तो जनता त्राय त्राय कर रही है। और 2014 में जहां मैंने डाल्टनगंज विधानसभा को ले जाके छोड़ा था, वहीं डाल्टनगंज विधानसभा वहीं रुक गया, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जब मैं घूम रहा हूं तो मैं खुद भी कई जगहों पर दुखी हो जा रहा हूं कि क्या हो गया, इतना बुरा स्थिति। लेकिन अब लगता है कि मुझे जनता मौका देगी और इन चीजों को हम दुरुस्त करेंगे। लगातार क्षेत्र में रहते हैं, एक पैमाना नेताओं ने सेट कर दिया कि सड़क नाली गली बना दिया जाए, यही विकास है। लेकिन अगर आप जीतते हैं इस बार, तो विकास का पैमाना यही होगा, कुछ अलग होगा? नहीं, ये चीजें तो छोटी चीजें हैं, ये बड़ी चीज नहीं है। सड़क नली, ये तो सरकार के पास फंड है और उससे ही काम होता है। बड़ा काम है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करते हैं, कैसे बड़े इंडस्ट्री लगाते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, माइंस बेस्ड इंडस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, हाउ विल यू गोइंग टू पुट दिस इंडस्ट्रीज। और जब इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो वहां इकोनॉमी फ्लो करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब इकोनॉमी फ्लो करेगी तो देश का GDP बढ़ेगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। कई जगहों पर बड़े बड़े नदी नालों को, छोटे नालों को बांधना है, उसको बांध देने से पानी जमा हो जाएगा, और जो पानी वाटर भी एक एनर्जी है, वाटर एनर्जी, तो जो बह करके समुद्र में चला जा रहा है उसको रोक करके हम खेती के लिए, पेयजल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे बड़े काम होने चाहिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण पलामू में कराना बहुत जरूरी है। अभी जो हॉस्पिटल है ये रेफर टू रांची हॉस्पिटल है। कोई जाइएगा अभी चले गए तो बोलेगा कि रेफर टू रांची, तो कोई इलाज ही नहीं करेगा। आपने बात कही कि पलामू को राजनीतिक राजधानी बोली जाती है, और हम भी मानते हैं क्योंकि रांची में जो भी धरना प्रदर्शन होता है छोटा बड़ा, तो उसमें नेतृत्व करता पलामू का ही कोई व्यक्ति होता है। पलामू में अभी आज हमको पता चला कि यहाँ पर भी माइंस है, कोयला यहाँ पे है, बी ग्रेड का कोयला है। धनबाद, जमशेदपुर और भी जगहों की चर्चा होती है कोयले को लेकर, लेकिन पलामू की चर्चा नहीं होती। क्या लगता है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे कारोबार लगाने की जरूरत है, जिससे कि यहाँ पे जो पलायन होता है, दूसरे प्रदेशों में लोग नौकरी के लिए जाते हैं, और छठ की और दीपावली में आप ट्रेनों की स्थिति देखे हो, उससे बचाया जाए? एकदम, मैं इस पक्ष में कदापि नहीं हूं कि झारखंड के लोग और खासतौर पर पलामू के लोग जाके दूसरे जगहों पर काम करें। हम आने वाली सरकार को इस पर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा कि हमारा पलायन रुके, लोग यहां से जाना सूखे, उनको यही रोजगार मिले। इस पर हमें बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा और मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं इन कार्यों को करने के लिए। जनता आशीर्वाद देती है, विधानसभा पहुंचते हैं, पहला काम क्या होगा इस क्षेत्र के लिए?
पहला काम होगा कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का प्रयास करेंगे और नदी को बांध करके पेयजल कराने का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल का व्यवस्था करेंगे। ये सब प्रायोरिटीज में हमारी रहेगी। रोजगार डाल्टनगंज के लिए प्रमुख मुद्दा होगा और इस पर हम काम करेंगे। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार पांडे, कशिश न्यूज, पलामू।